साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के 100 वर्ष का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण का भी संदेश लेकर आया है। हम अपने लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही मजबूती हमारी आजादी को मिलेगी, हमारे अधिकारों को मिलेगी। आज 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। नई जरूरतों के हिसाब से भारत के लोगों की, हमारे युवाओं की आशाएं अपेक्षाएं भी बढ़ रही है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इसके हिसाब से तेज गति से कार्य करना पड़ेगा। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं, पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है, और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भी खुद को आगे बढ़ाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज देश इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देख रहा है। मैं अगर संसद की बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों में संसद में सांसदों की उपस्थिति और संसद की प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, और अभी विजय जी ने भी विधानसभा का ब्यौरा दिया। सकारात्मकता, गतिशीलता, व्यापक रूप से विषयों की चर्चा, निर्णय, उसका पूरा ब्यौरा दिया। साथियों, वैसे संसद में भी पिछले बजट सत्र में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 129% थी, 129% थी। राज्यसभा में भी 99% प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई, यानी देश लगातार नए संकल्पों पर काम कर रहा है, लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जिन्हें चुनकर भेजा है वो मेहनत कर रहा है, सदन में उनकी बात गंभीरता से रख रहा है, तो उनका भी लोकतंत्र पर विश्वास और बढ़ता है। ये विश्वास बढ़ाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।